नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। रेड क्रॉस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतिया के सहयोग से रेड क्रॉस भवन में कोरोना से बचाव हेतु COVID-19 का टीकाकरण शिविर आयोजन किया। शिविर में उपस्थित रेड क्रॉस के प्रभारी चेयरमैन सैयद अब्दुल मजीद व सचिव डॉक्टर जगमोहन कुमार ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश अभी कोरोना मुक्त नहीं हुआ, लेकिन सरकार और समाज के समेकित प्रयास से देशवासियों ने कोरोना पर काबू किया और विजय प्राप्त की है। हम सबको मिलकर देश को कोरोना मुक्त बनाना है। पदाधिकारियों द्वारा 12 वर्ष के आयु वर्ग के ऊपर के सभी योग्य व्यक्तियों को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने की अपील की। शिविर में 12 से 14 वर्ष के लिए और 15 से 17 वर्ष के लिए वैक्सीनेशन था और कोविशील्ड का पहला और दूसरा बूस्टर डोज दिया गया। मौके पर आजीवन सदस्य डॉक्टर आर के चौधरी, डॉक्टर शमसुल हक और डॉक्टर बी के चक्रवर्ती आदि लोग मौजूद रहे। इस शिविर में 12 से 14 वर्ष के लिए कोर्बेवैक्स, 15 से 17 वर्ष के लिए कोवैक्सीन और 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड का टीकाकरण। आप तमाम लोगों से, पूरे जिले वासियों से हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी शत प्रतिशत टीकाकरण कर हमारे देश को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग करें। बेतिया से अविनाश कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।